मंदिर है, ये शासन। तो इस शरण की बात भगवान ने कही है, अंतिम शासनवास लोग है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, अंत सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शच, तू चिंता मत कर, मेरे शरण हो जा, निश्चिंत हो जा। जैसे रामायण में भगवान ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव ने कहा कि महाराज सब ही भांति करियाऊं सेवकाई, जे विदय मिले जानकी आई, ऐसे कहा तो भगवान कहते हैं सदा सोच त्याग उबल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। तू कहता जानकी मिले उद्योग करूंगा, तू निश्चिंत हो जा, लोग पर लोग में कोई तेरा काम बाकी नहीं रह जा, मैं सब काम करूंगा तेरा। भगवान पिघल जाते हैं, थोड़ा सा विचार हृदय का शरण होगा, शरण हो जाए भगवान से रह नहीं जाता, उसको अपना ही लेते हैं, भगवान स्वीकार कर ही लेते हैं। तो साधु मान तो आम त्रपन्नम, आपके शरणों शिक्षा दीजिए महाराज, ऐसे भगवान ने सुना तो भगवान उपदेश करना शुरू कर देते हैं, बंद नहीं करते हैं, शरण हो जाए मेरे। तो सर्वधर्मान परित्यज्य का क्या तात्पर्य है, कि धर्मों का त्याग करने को कहते हैं, उसमें एक थोड़ी सी रहस्य की बात बताता हूँ। अर्जुन ने ये कहा जो मैंने परसों बात बताई थी, अर्जुन कहता है कि युद्ध करने से पाप लगेगा, पाप मेवा श्रेय दर्शमान हत्रितार आतताय, दिल को मारने से पाप लगेगा। भगवान कहते हैं अत चेतपुर एवं धर्म संग्राम न कर शशि तथा स्वधर्म कीर्तन से हेतु पापम, अवश्य पाप को प्राप्त होगा। भगवान की दृष्टि से न करने से पाप लगेगा, अर्जुन की दृष्टि करने से पाप लगेगा, तो फिर मैं क्या करूं। तो अर्जुन ने पूछा है धर्म सम्मोट, मैं धर्म का निर्णय नहीं कर सकता, आपके शरण हूँ। तो भगवान के सर्वधर्म धर्म सम्मोट चेता सातवें श्लोक बता दे, धर्म के निर्णय में बुद्धि काम नहीं करती, भगवान कहते तेरू जरूरत नहीं, सब धर्मों को छोड़ दे। तो छोड़ने का धर्म अनुष्ठान न करना ये नहीं है। धर्म के शरण वाले की नौवे अध्याय में बात कही है, एवं त्रयी धर्म मनुप्रवन्ना गता गतं काम कामाल बनते, जिनके भीतर में कामना है वे धर्म का आश्रय लेने वाले बार बार जन्मते और मरते रहते हैं। तो आश्रय माम एकम, एकम का भगवान पांच सात दस थोड़े है, एकम मन केवल एक अनन्य भाव से तू मेरी शरण ले, दूसरे विचार किसी की शरण मत ले, माम एकम शरण, मुझे एक मेरी शरण हो जाए, फिर हाथ में आपका हूँ, शरण हृदय से ऐसा कह दो, और मान लो मैं भगवान के शरण हूँ और भगवान ने मेरे को स्वीकार कर दिया। सजनो भगवान त्याग किसी का करते नहीं, किया नहीं, करेंगे नहीं, और बात विशेष कहता हूँ कि सर्व समर्थ भगवान में त्याग करने की ताकत नहीं है, कि जो शरणागत को त्याग कर दे शक्ति दे, ये सामर्थ्य नहीं है भगवान में, तो इसके शरण हो जाने पर सब काम होता है, ये मुख्य बात है गीता जी की। तो माम एकम शरण धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि पाप लगेगा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, हमें संपूर्ण पाप तो मुक्त कर दूंगा मैं। माँ सुझे तो चिंता क्यों करता है, तो चिंता करता है, गलती करता है। सजनो भगवान के शरण होकर निश्चिंत हो जाओ, अनुष्ठान धर्म का करो, पर धर्म के अनुष्ठान से मेरा कृति हो जाएगी, मैं कल्याण कर दूंगा, ये आशय नाम का जप करो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो, भगवान की गीता पढ़ो और शास्त्र पढ़ो, सब करो, परंतु अपने उद्योग से मेरा कल्याण हो जाए ये बात नहीं है। अनंत जन्मों के पाप है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे अनंत पापों से मुक्त भगवान करेंगे। सज्जनों अपने उद्योग से सब पापों से नाश कर दे, ये ताकत जीव में नहीं है। अरे भगवान कहते सर्व पापे में मोक्ष, संपूर्ण पापों से मुक्त मैं करूंगा। मान सोचते तू चिंता क्यों करता है, जो जाको शरण दियो ताक ताकि लाज, उलटे जल मछली चले पे हो जात गजराज, जल बहता है गंगा जी आदि का प्रवाह आता है जोर से, हाथी आ जाए जोर से प्रवाह हो तो हाथी भी लोटपोट हो जाता है, ठहर नहीं सकता, पर छोटी सी मछली, इतनी सी मछली, वो मछली प्रवाह के सामने नहीं, ऊपर से धारा गिरती है पानी की, नीचे लगो तो चोट लगती है पानी की, इतना जोर से पानी गिर रहा है उस धारा में ही चल जाती है। मैंने अपने आंखों से देखा है, ऐसी जोर से गिरती है धारा में ऊपर चढ़ जाती है,
क्यों शरण दादी उसने शरण दे दिया जल का, जल के सिवाय और जगह वो व्याकुल हो जाती है, मर जाती है वियोग में, जल का भी शरण है। ये बल कितना, क्या बल है उसमें, बलवान हाथी है परंतु मरा लुढ़क जाता है वो जल के इस प्रवाह के सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि आशय वन का है, जंगल का है। अरे मछली अगर मछली को बहा दे तो मछली कहाँ जाए, किस जगह जाएगी, किसका सहारा लेगी। तो भगवान ने उसको कह दिया तुम सिद्ध घूमो, मर्जी तुम्हारी है, चाहे जल बहता हो न बहता हो, धारा ऊपर से पड़े ऐसी धारा 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 ऊपर चढ़ जाती है। जब ये आश्रय लेने के बाद फिर कोई ऐसी शक्ति नहीं कि जो आपको रुकावट दे सके। सभी पापे शिष्या में माँ से तुम चिंता मत कर, शरण भगवान का ले लिया फिर चिंता तुम करोगे। बड़ी आश्चर्य बात, हमने भगवान का शरण ले लिया फिर हमारे उद्धार की चिंता हम करेंगे, गलती की बात है। करो क्या, भगवान की आज्ञा का पालन करो, जो भगवान कहते हैं सो करो। सेवक हो जो करे, सेवकाई अरि करनी, कर करे लड़ाई, वो अरि करनी है वो।